धमतरी जिले में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, जहां एक सहायक आरक्षक के साथ लूटपाट कर चाकू मारने का मामला सामने आया था। नगवी थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नगवी एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ सहायक आरक्षक गेंदलाल मरकाम 23 नवंबर की शाम ड्यूटी के बाद अपने घर पर जा रहा था और तभी करवा घाटी मोड़ के पास स्कूटी सवार 3 अज्ञात बदमाश ने गाड़ी की चाबी छीन ली और जवान से लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने जवान को चाकू मारकर वहां से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मैं जा रहे थे घर, धीरे धीरे अपना मोटरसाइकिल से वो लोग चाबी से छीन लिए गाड़ी से। छीनने के बाद मेरे को पैसा का डिमांड भी किया। पैसा डिमांड करने के बाद मैं दे दिया उनको जितना भी पैसा था मेरे जेब से। वो लोग निकाला, पीछे से चाकू मार के भाग गए लोग। कितने लोग? वो लोग 3 लोग थे, स्कूटी में थे। ये घटना कहाँ पर हुआ? अपना कर्रा घाटी मोड़ के पास। राम मरकाम करके एसडीओपी कार्यालय नगरी में पदस्थ हैं। ये कल शाम को 5:30 बजे अपने गृहग्राम दाबगांव ऑफिस से जा रहा था तो चमेदा तिराहा कर्रा घाटी का जो मोड़ है वहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने इसकी गाड़ी की चाबी को निकाल कर गले पे चाकू टिका करके 200 रुपये की लूट की और इसके कूल्हे पे चाकू से वार कर इसको घायल कर दिया था। मुखबिर की सूचना पर उसी तरह के व्यक्ति के प्राप्ती के द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्ति के उसी इलाके में घूमने की सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ा गया और जिनके द्वारा पूछताछ करने पर उन लोगों ने 200 रुपये की लूट करना और गेंदराम मरकाम को चाकू मारकर राहत करना स्वीकार किया और जिनका आज कार्यपालक मजिस्ट्रेट नगरी के समक्ष प्रार्थी गेंदराम मरकाम से पहचान कार्रवाई कराई गई है, जिसने इन तीनों के द्वारा ही घटना को घटित करना बताया और आरोपियों ने भी घटना घटित करना स्वीकार किया। इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।